जेपीएससी मेंस की परीक्षा झारखंड में शुरू हुई है। हम आपको बता दें कि झारखंड में जब जब जेपीएससी को लेकर परीक्षाएं होती हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद जरूर शुरू होता है, लेकिन इस बार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा की शुरुआत हुई है और अभ्यर्थी भी व्यवस्था से काफ़ी प्रसन्न नजर आए हैं। और क्या कुछ व्यवस्था रही, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, ये जानने के लिए सीधे हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा शुरू हुई है और झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर सबकी नज़रें बनी हुई थी कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर सरकार की तैयारियां कैसी हैं। तो इस बार लगता है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे थे, उसके बाद सरकार अब कहीं ना कहीं अलर्ट होकर चल रही है। और जेपीएससी परीक्षा को लेकर काफी बेहतर तैयारियां भी देखने को मिली हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हुई और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुई है और रांची में इसके लिए कई सेंटर बनाए गए हैं। रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब जेपीएससी मेंस की परीक्षा हो रही है और 24 जून तक ये परीक्षाएं चलेंगी। ये परीक्षा 24 जून तक होंगी। इसके लिए रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 24 जून की रात 8 बजे तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। तो कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और 200 मीटर की परिधि में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है और परीक्षा का संचालन की व्यवस्था इस बार काफी दुरुस्त दिखाई दे रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपने आज जो दोनों पाली की परीक्षा हुई है, कई सेंटर्स पर पहुंचे, वहां का जायजा लिया, किस तरह की व्यवस्था दिखी, क्या कुछ निर्देश थे वहां? देखिए, जेपीएससी की ओर से मेंस पर एग्जाम को लेकर राजधानी रांची में 14 केंद्र बनाए गए हैं और इन 14 केंद्रों पर प्रशासन की ओर से काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे और एक एक पहलू पर नज़र रखी जा रही थी कि किसी प्रकार से कि इस एग्जाम में विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, कदाचार मुक्त इस एग्जाम के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी से नज़र बनाई हुई थी। आपको बताते चलें कि इन दिनों जो देश में पेपर लीक का मामला चल रहा है, देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर जेपीएससी ने भी इस एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की हुई थी। आप इसके साथ ही 22 जून से 24 जून तक यह एग्जाम होना है, दो पालियों में यह एग्जाम होगा। पहली पाली की यदि बात की जाए तो सुबह के 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रथम पाली की एग्जाम होगी और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसको लेकर जो परीक्षा केंद्र है, 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। उसके बाद कुछ नियम भी बनाए गए हैं कि 5 से अधिक लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइन भी तय किए गए हैं जेपीएससी की ओर से कि इस एग्जाम को फेयर तरीके से करवाया जाए, क्योंकि झारखंड में जेपीएससी की यदि बात की जाए या जेएसएससी की बात की जाए तो विवादों में लगातार जेपीएससी और जेएसएससी रहा है। तो इसी को लेकर एक किसी प्रकार का चूक ना हो, पूरी तैयारी की गई है। साथ ही जो अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों से मैंने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें आशा है, विश्वास है कि जेपीएससी फेयर तरीके से इस एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित करेगी। अब देखना यह हम होगा कि क्या जेपीएससी की ओर से इस जो मेंस जो एग्ज़ाम हुआ है इसकी रिजल्ट अच्छे तरीके से घोषित हो पाती है कि नहीं। बिल्कुल सौरभ, और बताया जा रहा है कि
200 मीटर की परिधि पे धारा 144 भी लगा दी गई है और तमाम हर तरह के एहतियातन उपायों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि जैसे नीट परीक्षा को लेकर अभी विवाद सामने आया है, इससे पहले भी झारखंड में एक दो परीक्षाएं हुई थी तो वहां गड़बड़ी के आरोप लगे थे, उसे लेकर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है लगता है। सरकार ने भी पूरे ये जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं पर नज़र बना के रखी हुई है कि किसी प्रकार का धांधली ना हो, किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो। तो इसी को लेकर जो आला अधिकारी हैं उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार का चूक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए यह मेन्स एग्जाम आयोजित की गई है और रांची में 14 केंद्र बनाए गए हैं। 14 केंद्रों पर तमाम प्रकार की तैयारियाँ पूरी की गई है और जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, चाहे नीट एग्जाम की बात कर ले या नेट एग्जाम जो रद्द हुआ है, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं, अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनमें डर का माहौल है कि हमारे एग्जाम में भी किसी प्रकार का खलल ना हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो। तो इसके लिए उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई है। साफ तौर पे कहना है कि सरकार से हमारी यही मांग है कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराई जाए और हमारा ये जो रिजल्ट घोषित किया जाए उसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो यह अब अहम बात होता है कि क्या JPSC ये जो मेन्स एग्ज़ाम है, क्योंकि 22 तारीख आज है, फिर 23, 24 तारीख तक एग्जाम होनी है, तो 24 तारीख तक किसी प्रकार की धांधली की खबर ना आए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।